हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं नीरू शर्मा लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के साथ एक वीडियो। और गाइस, आज मैंने कहीं प्लानिंग की थी कि मैं कहीं जाऊंगी, सिटी जाऊंगी, तो वहां से कुछ सामान लेके आऊंगी। गर्मी भी बड़ी है, बहुत ज्यादा धूप है बाहर। और आज क्या हो गया, आज हमने अंदर की जो हमारा बेड था जहाँ पे हम सोते हैं, ठीक है, वहां पे हमने पूरा गद्दा उठाया, क्योंकि रात को ना यार इतना मच्छर लड़ रहा था। मच्छर भी आ गया आजकल, तो इतना ज्यादा मच्छर था, तो उसकी वजह से हम पूरी रात इतने डिस्टर्ब हुए कि हम 12 बजे उठ के बैठ गए थे पूरी फैमिली। तो भाई हमने सोचा कि गद्दे को मैं थोड़े से धूप लगवा लेती हूँ, तो उसके बाद बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, धो देती हूँ। अभी तो मैंने धोई थी, जस्ट संडे को धोई थी, तो आज संडे नहीं है, फिलहाल संडे नहीं है आज। फिर भी आज मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो फिर भी मैं धो देती हूँ। यार मैंने बेडशीट अभी ऐसे ही रखी है, आप लोगों को बताती हूँ मैं। हमने गद्दा लिया यार, ऊपर ऊपर गद्दा लिया ही नहीं जा रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर, बट मैं नहीं कर पाई। देखो आज मैंने ये पूरा गद्दा उठाया, पूरा गद्दा उठा के मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऊपर लिया, उठाया ही नहीं जा रहा था। मतलब सीढ़ियाँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है ना, तो लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और ये बेडशीट रखी है मैंने, और जो इसका गद्दे का गिलाफ था वो भी मैंने धोना है, और बेडशीट भी धोनी है। उसके बाद ये सारा ठीक करूँगी सिस्टम, तो ऊपर भी लेके जाऊँगी। ऊपर मैंने गद्दा रखा हुआ है, तो अंदर मेरे बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से, वो मैंने धो दिए। किचन की सेल्फ साफ करूँगी, और किए की सब्जी बनाऊँगी। आज मैंने किया काट के रखा, और ये करती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर। ओके गाइस, तो मेरे साथ बने रहना। तो गाइस मैंने एक प्याज लिया और 4 टमाटर लिए छोटे छोटे, तो 1-2 हरी मिर्ची ले लूँगी, और ये मैं कट करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी तो सिर्फ वही सोच रही हूँ मैं कि अभी सिर्फ मार्च का महीना शुरू हुआ है, और गर्मी देखो, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आगे अप्रैल मई जून जुलाई में क्या होगा, ये देख सकते हो आप। घिया बनाने के लिए मैंने प्याज को कट कर दिया है, इसमें मैंने सूखा मसाला रखा है, ये कसूरी मेथी है, ये गरम मसाला, और ये तेज पत्ता। ये मैंने टमाटर छूर दिए, और ये घिया मैंने धो के रख दिए। और अलमारी जो मेरी बर्थडे बैग बैग विच, और ये देखो मैंने कुकर को चढ़ा के रख दिया, क्योंकि मैं कुकर में ही इसको तड़का लगाऊंगी। अगर मैं इसको कढ़ाई में बनाऊंगी तो थोड़ा टाइम लगता है, इसको हिलाते रहो हिलाते रहो, तो कुकर में एक विसल आएगी और किया बन के हो जाएगा रेडी। तो अब मैं धीरे धीरे आपके सामने बनाती हूँ किए की सब्जी। तो गाइस तेल मैंने चढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा गर्म होगा, देख सकते हो आप। उसके बाद ये मैं डालूंगी सबसे पहले प्याज, सॉरी सबसे पहले मैं सूखे मसाले डालूंगी, तेज पत्ता डालूंगी, और उसके बाद मैं डालूंगी प्याज, फिर डालूंगी मैं कसूरी मेथी और गर्म मसाला, फिर मैं टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा है वो डालूंगी। तो गाइस वही मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का जरूर ये चीज़ बताना कि कौन कौन कहाँ कहाँ की प्लानिंग कर रहा है। समझ गई होंगे आप, गर्मी का सीजन है, गर्मी आएगी यार, आप लोगों को कहीं ठंडी जगह पे जाना तो होगा सबको। तो आप मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमने जून जुलाई के महीने कौन सी जगह पे जाना है। मेरा तो मन कश्मीर जाने का कर रहा है, और आई होप सच में शायद से क्या पता कोई प्लानिंग बने और मैं कश्मीर जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा कश्मीर जाने का। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और कश्मीर मेरी फेवरेट जगह है। वहाँ पे मुझे आप 3-4 दिन लगातार बोलोगे ना जाने के लिए, एक ही महीने में मैं 3-4 दिन लगातार चले जाऊँगी, क्योंकि मुझे इतना मन करता है वहाँ जाने का, कहने की बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाना। तो गाइस सुबह से लाइट भी बंद है, गर्मी भी हो रही है, अब मैं सोच रही हूँ एक ही बार खाना बनाने के बाद फ्री होके बैठूँ, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। मेरा आज सुबह का पूरा दिन का जो काम होगा वो मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि कश्मीर किसकी किसकी फेवरेट जगह है, मुझे पक्का बताना आप। मेरी तो फेवरेट जगह है, मैं तो वहाँ पे पक्का जाऊँगी, क्योंकि अगर आप कश्मीर चले जाओगे, कश्मीर सोनामर्ग गुलमर्ग पहलगाम, सच में इतनी प्यारी ब्यूटी है ना वहाँ पे, लगता नहीं मुझे कि उससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई होगी। तो बातें करते करते बनाती हूँ किया, ठीक है ना, आप मेरे बने रहना, क्योंकि तेल ऑलमोस्ट हो गया,
थोड़ा सा फोन को दूर रखूंगी मैं, और सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें जो मेरा तेज पत्ता है, इसको मैं इसके साथ ही रखूंगी क्योंकि जब मैं तेज पत्ता पहले डालूंगी तो तेज पत्ता जो है जल जाएगा। ठीक है, हर चीज को धो के रखना चाहिए, धो के आना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट होती है, प्याज में डस्ट होती है, टमाटर में डस्ट होती है, यहाँ तक हरी मिर्ची होती है उसमें भी डस्ट होती है, तो आपको ना हर चीज को धो के डालना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी आप लोगों को। जब तक होता है प्याज रेड ब्राउन तो तब तक मैं कुछ और बातें करती हूँ आपके साथ। तो सेकंड में इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, क्योंकि आप देख सकते हो प्याज का रंग अब थोड़ा सा रेडिश में हो गया, अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी और ये मसाला डाल दूंगी। कई लोग, गाइस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई लोग कीड़े को डालने के बाद ऊपर से उसको टमाटर का पेस्ट जो होता है वो डाल देते हैं, बट मैं इसके अंदर ही टमाटर का पेस्ट डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं कुकर की सीटी लगा लूंगी। ठीक है ना, अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी स्वाद के अनुसार, इस तरह से करते हैं स्वाद के अनुसार जितना जितना डालते हो। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी, उसके बाद में लाल मिर्ची, जितनी आप खाते हो आपको उसी के अकॉर्डिंग डालनी होगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा तेल में वाला ही अच्छा लगता है मुझे खाना, मीठी मीठी सब्जी अच्छी नहीं लगती। अब हम डालूंगी इसमें नमक, अच्छे से मिक्स करके डाल दूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट। मसाला हो चुका है, आप देख सकते हो मसाले को किस तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने किया धो के रखा था, एक बार फिर से मैंने उसको पानी से निकालूंगी। जब तड़के की वो होती है ना तो उससे मुझे लग जाता है जुकाम, कोल्ड हो जाता है मेरा। कौन कौन किए की सब्जी पसंद करता है मुझे बताओ। ठीक है, मैंने आपको, आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि मैं कंप्रोमाइज़ कर देती हूँ, जो चीज़ बनी हो मैं ये नहीं बोलती कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी, स्पेशली वही बनना चाहिए, कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ। बाकी जो घर के मेंबर हैं वो कम ही कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई बोलेगा ये नहीं खाना, कोई बोलेगा ये नहीं खाना, बट मैं जो चीज़ बनी हो कर लेती हूँ। तो गाइस अब मैं थोड़ी सी सैलड साफ कर लेती हूँ, देखा आप देखते रहना मैं किस तरह से इसको साफ करूँगी, क्या करना भाई साफ तो करना पड़ता है। अच्छे से सूखा सूखा कपड़ा लगाओ तो ही साफ होगी। सो गाइस हमारी यहाँ पे रोड है ना जो सामने दिख रही है, पता नहीं आपको नहीं दिखेगी, वही रोड जो जिस रोड से मैं अपनी मम्मा के घर जाती हूँ, वहाँ पे लुक पड़ रही है और इतना धुआँ है उस लुक का, और मुझे लुक की स्मेल से ना पता नहीं क्या होता है, पसंद नहीं आती मुझे लुक की स्मेल। एक मुझे कैमरा साफ करना है यार, कैमरा मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा है। अब देखो इसमें दो व्हीकल आएंगी और मेरा जो किया है वो बनती हो जाएगा रेडी। तब तक मैं आटा में बाद में गूंदूंगी, आटा में जल्दी गूंदूंगी क्योंकि आटा गूंदूंगी लाइट बंद है, गर्मी से आटा हो जाएगा खराब। तो गाइस अब ये यूवी और शोना दोनों नहा रहे हैं, देखो गाइस यूवी नहा रहा है। अब शोना को भी मैं बोल रही हूँ नहाने के लिए, एक तो नंगा हो गया, अब दूसरे को बोल रही हूँ चल शोना उठ, चलो चलो नहाते गाइस चलो। अब ये नहाने लगा है, ये दोनों अब नहाने लगे हैं, तो मैं दोनों को जब ये दोनों नहा रहे होंगे मैं आपको बताऊंगी। बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं आना कैमरे पे क्योंकि ये नंगे होंगे ना। देखो शोना तो आपके सामने कपड़े खोल रहा है, देखो शोना भी पागल, देखो 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 देखो
बंद कर दिया, इन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसे नहा रहे हैं। इनको बोलती भी हूँ कि अंडरवेयर डाल के नहाया करो, बट दादी पलट गया था। ये पूरे नंगे होके नहा रहे हैं। दादी पलट गया था। मैं आपको दीदी के साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, वो दीदी जो हमारे यहाँ पे झाड़ू और पोछा करते हैं, ठीक है। ये रही वो दीदी, आप बताओ दीदी आप कहाँ से आते हो? ये मुट्ठी कैंप से आते हैं और सबके घरों में बड़े अच्छे से सफाई करते हैं, पता आपको। और बताओ आपकी फैमिली में कौन कौन है? जब मेरा खुद का घर बनेगा मैं इन्हीं को बोलूंगी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। तो गाइस मैंने सोचा आप लोगों का इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ उस दीदी के साथ, ओके गाइस। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे ना यार झाड़ू पोछा मेरे से और काम जितने होते हैं करवा लो, पर मैं झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ इनकेस अगर कोई पाउडर भी होता है ना उसका भी जो धुआं आता है ना वो मेरे नाक में चले जाएगा ना तड़केगा, तो मुझे पड़ते जो काम हो जाता है, इसीलिए मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती, बाकी घर के सारे काम मैं खुद करती हूँ। अभी मैं रात का टाइम है तो दिन को मैं सो गई थी, दिन को मैंने कुछ नहीं बनाया था। अभी मैंने तवा चढ़ा दिया है और एक साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आज हमारी लाइट बंद थी सुबह से, तो वो 4 बजे के करीब लाइट आई थी, तो दूध भी बाहर पड़ा हुआ था क्योंकि फ्रिज पे क्या रखना था, दूध तो ख़राब हो जाना था। सो गाइस अभी मैं फुल्का बनाने लगी हूँ, सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो मैंने आपको बताया था आज मैंने किया बनाया और किए की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बाकी अभी मैं बनाऊंगी चपाती, चपाती बनाने के बाद हमारा हो जाएगा रात का डिनर। सो गाइस आप मेरे साथ बने रहना, अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी आगे, ओके। सो गाइस अभी मैं फुल्का बना रही हूँ, चावल मन नहीं होता आपको खाने का क्योंकि बच्चे भी चावल नहीं खाना पसंद करते और ना ही मैं खाना पसंद करती हूँ, तो हस्बैंड को होता है चावल खाना बट मैं चावल नहीं बनाऊंगी, तो चपाती बनाऊंगी मैं। सो गाइस आप लोगों ने आज पूरा दिन क्या किया, मैंने भी किया, मैंने किया आप लोगों के साथ शेयर। ये बन गया मेरा पहला फुल्का। सो गाइस आज की वीडियो का मैं यहीं पेंट करूंगी और कुछ नया लेके आऊंगी आप लोगों के साथ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बड़ा सारा काम किया है घर का। सो गाइस कुछ नया लेके आऊंगी, तब तक के लिए ओके गुड नाइट सबको मेरी तरफ से। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो मेरी वीडियो पे नए होंगे उनको भी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर।